तुलसिया राम चंद्र भगवान की। आज मेरा और आप सबका सौभाग्य है कि हमें इस पुण्य और हम सबको ऊर्जा देने वाली, प्रेरणा देने वाली भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या की धरती पर हम सबको प्रणाम करने का अवसर मिला। ये धरती हम सबको चेतना देती है, ये धरती हम सबको ऊर्जा देती है। भगवान राम की धरती हम सबको आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देती है। आज भारत में नहीं, पूरे देश के अंदर और विश्व के अंदर भी भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना का पुनर्जागरण हुआ। हम बरसों तक भगवान रामलला के मंदिर का इंतजार कर रहे थे। हमारे साधु संतों ने, हमारे राम भक्तों ने त्याग और बलिदान से हमें हमारे ही शासन के अंदर रामलला के मंदिर बनने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जब भगवान के लिए संघर्ष करना पड़े ऐसा शासन भी हमने देखा था। और ये कालखंड हम सबके लिए सौभाग्य है कि इस कालखंड में बरसों तक जिसका इंतजार कर रहे थे भगवान रामलला का मंदिर बना। माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस प्राण प्रतिष्ठा में आए थे और पूरा देश उस प्राण प्रतिष्ठा के साथ अपने आप को जोड़कर जिस विनम्र भाव से, जिस आध्यात्मिक धर्म आस्था से भगवान रामलला के विग्रह का हम सबने दर्श देखा, हम सबको भगवान राम के 14 वर्ष आने के उपरांत जैसे पूरे देश में दिवाली मन रही हो, हर घर में दिया जलाकर लोगों ने दिया। और इसीलिए ये धरती हम सबको ऊर्जा देती है, प्रेरणा देती है, नई दिशा देती है। भगवान राम का जीवन हम सबको एक आदर्श और मूल्यों से स्थापित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। भगवान राम का जीवन एक आदर्श जीवन, और किस तरीके से उन्होंने उस समय समाज के अंदर वंचित गरीब व्यक्तियों को साथ लेकर उस शासन के खिलाफ जो अहंकार था उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी। भगवान राम हम सबको नई चेतना, नई ऊर्जा के साथ जीवन जीने की राह और रास्ता बताने का काम करता है। हनुमानगढ़ी का मंदिर भी यहां पर है और हनुमान जी का समर्पण, सेवा, त्याग हम सबको समाज जीवन में इसी तरीके से त्याग, समर्पण, सेवा करने की प्रेरणा देता है। भगवान शिव का जीवन, देवों के देव महादेव, जब समुद्र का मंथन हुआ तो अमृत भी निकला, विष भी निकला, तो विष पीकर नीलकंठ बने। भगवान शिव का जीवन हमें समाज के उस विष को पीकर अमृत देने के लिए प्रेरणा देता है। और इसीलिए माईश्री समाज ने भी
जो भगवान शिव के संस्कृति संस्कारों को मानते हैं, उन्होंने समाज में अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, चाहे शिक्षा हो, अस्पताल हो, प्याव हो, धर्मशाला हो, ऐसे बहुत सारे पुनीत कार्य किए। उन्होंने इस देश के जितने भी आध्यात्मिक धर्म स्थल है, चाहे पुष्कर राज हो, वहां से यात्रा शुरू की और अयोध्या की यात्रा तक भी पहुंचे। नाथ द्वारा का मंदिर हो, रामदेव जी का स्थान हो, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, सब स्थानों पर यात्रियों के लिए भवन बनाए, स्थल बनाए और सब समाजों के लिए बनाए। इसलिए मायश्री समाज हमेशा पुरुषार्थ के साथ साथ सेवा, समर्पण, त्याग उनके जीवन की संस्कृति है। मुझे आशा है आज हम सबका सौभाग्य भी है कि आज राजस्थान के मुख्यमंत्री के साथ उनके पूरे मंत्रिमंडल का सदस्य आए हैं, विधायक आए हैं, सांसद आए हैं, सबने भगवान रामलला के दर्शन करेंगे और अपने राज को, अपने कामकाज को भगवान राम के जीवन की तरह कामकाज से राज को चलाएंगे। इसकी प्रेरणा इनको अयोध्या की धरती से मिलेगी। मैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा के अध्यक्ष, राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष, सभी प्रभारी और विशेष रूप से मैं उन सब संतों को प्रणाम करता हूं जिनकी तप, तपस्या, समर्पण, सेवा से ये भव्य मंदिर बन पाया है। गोविंद गिरी जी महाराज ने कितने जीवन, कितना समय यहां दिया और किस तरीके से उनका समर्पण, उनकी सेवा और त्याग के कारण इस मंदिर निर्माण में जो कुछ काम किया, और मेरा भी सौभाग्य, मुझे भी सौभाग्य मिला कि संसद के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर बनने का संकल्प और प्रस्ताव दिया है, ये सौभाग्य भी मुझे मिला है। मैं पुनः इस धरती को प्रणाम करता हूं। रामलला की ये धरती हम सबको प्रेरणा देगी, नई ऊर्जा देगी, नई शक्ति देगी, नई सामर्थ्य देगी और इस कालखंड में हम नए भारत के उदय होकर देखेंगे जहां आध्यात्मिक संस्कृति धर्म होगी, लेकिन एक आदर्श राज चलाने के लिए भगवान राम की प्रेरणा हमें मिलती रहेगी। पुनः मैं धरती को प्रणाम करता हूं। भगवान श्री राम की धरती अयोध्या हम सबको नित्य नई प्रेरणा, नई ऊर्जा, नई शक्ति, सामर्थ्य देती रही, यही भगवान राम से प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद लोकसभा अध्यक्ष जी, आपने आह्वान किया राजस्थान शासन को कि आपको जो ये मौका मिला है।